तो दोस्तों बजाज ने इंडिया की और दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी और अब ये मोटरसाइकिल शोरूम पर आ चुकी है। मेरे साथ में अशोक जी हैं जो कि गाज़ियाबाद के पहले कस्टमर हैं जो कि सीएनजी वाली बाइक की डिलीवरी ले रहे हैं। तो सर से जानेंगे क्या इनको भरोसा नज़र आया बजाज की सीएनजी बाइक पे, और जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो काफ़ी सारे डाउट थे लोगों के मन में कि कैसी चलेगी, कितना माइलेज देगी, सेफ्टी का क्या, तो वो सारे सवाल सर से जानेंगे। इनका क्या नज़रिया रहा है इस बाइक को लेके, तो वीडियो में आपका स्वागत है। और सर स्वागत है अशोक जी हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, गाज़ियाबाद की पहली सीएनजी बाइक आप डिलीवरी ले रहे हो, और पहला सवाल कि सर कितने की आपको ये पड़ी है ऑन रोड? ये 135 समथिंग है, 135 के आसपास है। नहीं, 130,500 के आसपास ऑन रोड पड़ी है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये टॉप मॉडल है जी। इसके नीचे एक और वेरियंट आता है वो लगभग 5,000 सस्ता होगा, लेकिन सर ने लिया है टॉप मॉडल। अब सर सीएनजी वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है ये, आपको क्या मतलब ऐसा लगा कि मुझे सीएनजी वाली ही ख़रीदनी है? नहीं, एक्चुअल में आज की टाइम में आधी से ज़्यादा दुनिया सीएनजी पर ही चल रही है जी। मतलब तो कार्स के अंदर तो है ही, मोटरसाइकिल और टू व्हीलर में पहली बार है। हर चीज़ में चल रही है सिवाय टू व्हीलर के जी। तो फर्स्ट टाइम जब टू व्हीलर में आई है तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें भी। नई कंपनी ने अगर बनाई है तो ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर के लिए कोई रिस्क पैदा करे। तो जैसे बताते हैं जैसे 12 टेस्टों से भी अधिक से गुजर के आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोच है केवल कि भाई सीएनजी की बाइक से पता नहीं कुछ रिस्क होगा, कुछ मैं नहीं समझता कुछ भी। तो इसीलिए मैंने जब फर्स्ट टाइम फेसबुक पर ये देखा था इसका एड जी, उसी दिन सोच लिया था, नेक्स्ट डे में बुक करा गया था। आपने वीडियो देखते ही बुक करा? हाँ, मैंने कहा लेनी ज़रूर है, पहली बार कोई चीज़ आई है और लेनी भी फर्स्ट में ही लूँगा यहाँ अपने। फर्स्ट डिलीवरी, इसीलिए फर्स्ट डिलीवरी की वजह से आपने पहले? नहीं, मैंने इसीलिए पहले तय किया था बुक करते समय कि पहली बाइक मैं लूँगा, वरना मैं लूँगा नहीं। अच्छा, पहले ही शोरूम पर बात कर ली थी कि चाहिए तो पहली चाहिए, नहीं तो रहने देना। बुकिंग भी पहली थी मेरी, फर्स्ट बुकिंग। आप लगा लो अंदाज़ा कि जब बाइक लॉन्च हुई थी उस टाइम तक शायद से ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू नहीं हुई थी, तो सर ने शोरूम पर आके बुकिंग करा दी और लेनी है तो लेनी है वाली बात थी। ये इनसे तय था कि पहली बाइक मैं ही लेके बाहर निकलूँगा, वरना लूँगा नहीं अगर किसी और को दी पहली तो। अब ये तो सर खाली सीएनजी की और उसकी बात हो गई, बाकी आप मुझे बाइक के बारे में बताओ कि दिखने में आपको कैसी लग रही है? नहीं, लुक तो इसकी बाकी बहुत अट्रैक्टिव है, हालांकि हम तो एज हो चुकी है जी, पर बच्चों के लिए भी टू मच बेटर लुक्स वाइज अच्छी लग रही है। बाकी जल्दी सर चलाएंगे और जब चलाएंगे तो आगे जानेंगे सर से कि चलने के बाद कैसी लगी। वैसे आप एक बार राइड ले चुके हो? हाँ, कल मैंने लिया। कल आपने राइड ली है, तो चलाने में कैसी लगी? नहीं, एक्चुअल में क्या है, ज़्यादा लॉन्ग तो मैं गया नहीं, ये नेक्स्ट कट से वापस आ गया था। हाँ, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे, आज सैटरडे है तो इसलिए थोड़ा वहम करते थे घर से, तो इसीलिए फिर आज लेके जाऊँगा, आप चलाऊँगा इसको जितना मर्जी। बाकी काफ़ी सारे लोगों के मन में सेफ्टी वाला जो सवाल था ना, सर ने जैसे बताया कंपनी ने इस पर 12 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं और कुछ एक ऐसे छोटे छोटे सेफ्टी फीचर भी दिए हैं जो मैंने भी इस बाइक में देखे हैं। पहली चीज़ तो जो इसका पूरा फ्रेम है, ये स्टील ट्रेलेस फ्रेम है और ये लाइट के यहाँ से अगर देखोगे ना यहीं से शुरू हो जाता है, यानी कि अगर बाइक आगे से भी टकराएगी ना तो पहले फ्रेम है, उसके बाद में पूरी बाइक में सेम सेटअप है। और एक छोटा सा सेफ्टी फीचर मैंने देखा था, शायद आपको इन्होंने बताया भी होगा कि अगर आपका ये जैसे फ्यूल लिड है ना, फ्यूल वाला ये अगर खुला है और इसमें ये सीएनजी वाला किसी भी वजह से खुला रह गया है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, बताया था। बाइक जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये आप इसको पूरा ठीक तरीके से बंद नहीं कर लोगे। तो इस तरह के छोटे छोटे सेफ्टी फीचर, ये गाड़ियों में भी आता है वैसे, पर बाइक में लोगों ने उतना नहीं सोचा होगा कि इस तरह की चीज़ें बजाज देगा, तो ये दे रखी हैं। भाई वर्ल्ड में पहली बाइक आई है जी बजाज की तरफ से ना, तो ये भी एक क्रेज था कि लेनी ज़रूर है, एक बार पहले लेनी ज़रूर है, समझे ना। और वो मिल गई मुझे, वो इनका शोरूम वालों का सहयोग मिला कि मुझे फर्स्ट बाइक ड्राइव के लिए मिली। तो शोरूम के बारे में बात कर लेते हैं, इससे पहले सर कभी बजाज की बाइक कोई चलाई है? बजाज टू व्हीलर? हाँ, बजाज के बहुत व्हीकल चलाए हैं, पहले कैलिबर आई थी कभी इनकी 2002 में, हो गया हाँ। जब आई थी तभी ली थी, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था कि उसका सेकंड गियर चेंज करते ही अंदर से कट की आवाज़ आती थी, तो मैंने यहाँ के इनको बोला, मैंने कहा ये आवाज़ कैसी है, बोले ये सभी गाड़ियों में है। मैंने कहा वो क्यों करें, मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट। मैंने चौथे दिन गाड़ी 5,000 कम में बेच दी थी। अच्छा, ज़्यादा लंबी रखी नहीं? नहीं नहीं, वो मुझे आवाज़ ही बुरी लग रही थी, भाई नई गाड़ी में भी आवाज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, तो कह रहे मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट है सब में है ये। तो मैंने उनको
भाई शोरूम वालों को क्या कहता, मैंने बाहर कंपनी से तो बाहर ही खड़े खड़े 5,000 कम में बेच दी थी तभी। तो वो वाला डाउट इसके साथ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं है। वो जो था एक्चुअल में क्या, कल चला के देखी कोई आवाज़ नहीं कुछ नहीं। हाँ, उसमें तो फर्स्ट सेकंड गियर चेंज करते ही कट की आवाज़ आती थी अंदर गियर बॉक्स से। ऐसा भी कह सकते हो कि कंपनी टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी करती है, वो बहुत पुरानी बात भी है। हाँ, 2002 की बातें हैं, वो 22 साल पुरानी बात है। उस टाइम से अब तक तो बाजार में बहुत सारी चीज़ें, बाजार की नहीं, जब से अब तक इतनी टेक्निक आ चुकी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें बदल गई, ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई कि हमने सोचा भी नहीं ऐसा भी होगा। सीएनजी वाली बाइक ही देख लो, किसने सोचा था कि सीएनजी वाली बाइक आएगी। नहीं, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि उस समय तो वाल्मीकि ऋषि ने 200 साल पहले रामायण लिखी थी जी, है ना। आज मोबाइल की एक इतनी सी चिप जी उंगली के सिरे के बराबर, जिसमें पूरी दुनिया भर दी है भरने वाले ने, मैं तो उसके दिमाग की दाद देता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो मतलब एक टेक्नोलॉजी वाला भरोसा है इसके साथ। कंपनी की आइटम है, कोई लोकल तो बनाया नहीं किसी ने। बिल्कुल हाँ, जिस पे आदमी कोई रिसर्च कंपनी है, टेस्टिंग वगैरह कंपनी दावा भी कर रही है अच्छे खासी टेस्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है, है ना। देखिए, हादसा तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, बहाना बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में करोड़ों व्हीकल चल रहे हैं सीएनजी के जी, क्या सबके साथ कुछ दुर्घटना हो रही है? कभी किसी के साथ वक्त ही ख़राब हो तो अलग बात है, वरना कुछ नहीं होता। तो ये अशोक जी थे मेरे साथ में, जिन्होंने गाज़ियाबाद की पहली डिलीवरी ली है उस मोटरसाइकिल की जो कि दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है। और सर को एक बार फिर से मुबारकबाद सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी डिलीवरी ले रहे हैं सर, आगे जब चलाएंगे एक दो महीने हो जाएंगे, सर्विस वगैरह हो जाएगी, तो उसके बाद फिर से जानेंगे सर का एक्सपीरियंस क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा सब जानेंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।